नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का मैं अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूँगा फरवरी महीने के मासिक राशिफल के बारे में, और ये वीडियो है वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के जातकों का ये फरवरी महीना कैसा रहेगा, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उनके लिए क्या सुझाव और क्या उपाय है, इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं वृषभ राशि के बारे में। ओके, सबसे पहली बात, तो फरवरी महीने में आपको अपने पार्टनर का सपोर्ट या सहयोग अवश्य मिलेगा। कुछ चीज़ों को लेकर अगर आपका पार्टनर आपकी बात को अग्री नहीं कर रहा है या सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो वो फरवरी महीने में आपको अवश्य आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद मैरिड लाइफ में आपको संभलना होगा, ये मैंने लिखा है थोड़ा संभलना होगा। क्यों? क्योंकि मैरिड लाइफ में आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपको संभाल के सॉल्व करनी होगी, अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। नकारात्मक सोच को इग्नोर करें। जी हाँ, फरवरी महीने में आपको नेगेटिव थिंकिंग का सामना करना पड़ सकता है, तो उससे आपको बचना होगा। नेगेटिव थिंकिंग जो है उसको इग्नोर करें। कंपिटिटर्स में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपके कार्य में आपके कंपिटिटर्स जो है उन सभी के ऊपर आपका वर्चस्व बढ़ेगा और आपके लिए वो फायदेमंद होगा। लंबे समय से अटके हुए पैसे मिल सकते हैं आपको। जी हाँ, अगर कुछ कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और कहीं काफ़ी लंबे समय से आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, तो वो फरवरी महीने में आपका पैसा आपको मिल सकता है। उसके बाद आर्थिक लाभ होगा। जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी बताया, लंबे समय से अगर आपका पैसा अटका पड़ा है तो वो आपको मिल सकता है, वैसे ही आपका आर्थिक लाभ भी इस महीने में होगा। माता का सहकार मिलेगा। ऐसा कोई अगर आपका कार्य है जो कि आपके माँ का सपोर्ट मिलने पर ही कंप्लीट होगा, तो वो कार्य आपका हो सकता है, क्योंकि माता का आपको फरवरी महीने में संपूर्ण सहयोग मिलेगा। उसके बाद विदेश यात्रा के भी चांस है। अगर एब्रॉड जाने का कोई प्लान बन रहा है आपका इस महीने में, तो वो फरवरी महीने में आपका प्लान सफल हो जाएगा। विदेश से पार्टनरशिप के भी ऑफर मिल सकते हैं। अगर आपके कार्य में विदेश से पार्टनरशिप के भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो आपको ऑफर फरवरी महीने में मिल सकते हैं। रेसिडेंस में बदलाव हो सकता है। जी हाँ, आप ऐसा कुछ फर्नीचर वगैरह भी करवा सकते हो, छोटा मोटा बदलाव या कोई भी बदलाव, लेकिन फरवरी महीने में आपके रेसिडेंस में डेफिनेटली बदलाव अवश्य आएगा। रविवार आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। फरवरी महीने के जो रविवार रहेंगे वो आपके लिए काफ़ी लाभदायी होंगे। ये था आपका राशिफल। अब मैं बात करूँगा आपके सुझाव के बारे में या उपाय जो आपको फरवरी महीने में आपको खास तौर पर ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली बात, कर्ज करने से बचें, यानी कि अगर आवश्यकता है तभी कहीं से कर्ज ले, अदरवाइज कर्ज नहीं लेना है आपको। दूसरा, वाहन गाड़ी आप धीरे चलाएं। अगर कहीं पे जाने की जल्दी भी है, फिर भी गाड़ी धीरे चलाएं। तीसरी बात, बिना वजह जिम्मेदारी अपने सर ना ले। अगर कोई आपको जिम्मेदारी सौंपे तभी उसका स्वीकार करे, वरना खुद से जिम्मेदारी का स्वीकार ना करे। ये था आपका फरवरी महीने का राशिफल। फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।